किसी ने बिल्कुल सही कहा है, गुनाह हम सब करते हैं, हम सब किसी ना किसी के गुनाहगार है, लेकिन गुनाह में भी माफी मिल जाती है अगर हद में हो, और हद के बाहर सिर्फ सजा, लेकिन गुनाह की इस हद को भी किस हद तक पार किया जा सकता है शायद आप लोग सोच भी ना पाए। आज एक ऐसा ही मामला हम डिकोड करेंगे। एक व्यक्ति जो 42 महिलाओं की हत्या कर चुका है, उसके शवों के टुकड़े टुकड़े करके भी बात नहीं बनी और उसने ये बात कबूली है। कई महिलाओं का कत्ल किया और उनके टुकड़े किए, ये उन्हीं 13 लोगों में से एक है जो केन्या की नैरोबी पुलिस की हिरासत से भाग निकला है। 33 साल के कोलिंस खालूशा के पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उसे एक दरिंदा और मनोरोगी बताया था, और ऐसे में केन्या पुलिस ने उसे जुलाई में एक खदान के पास शवों की ढूंढने के बाद ही गिरफ्तारी कर ली थी। साथ ही पुलिस ने बताया था कि जब कुछ पुलिस वाले सुबह 5 बजे पुलिस स्टेशन पर अधिकारी को नाश्ता देने गए, तब उन्हें पता चला कि ये कोलिंस खालूशा फरार हो गया है। पुलिस के अनुसार खालूशा और दूसरे कैदी जो कि एरिस्ट्रिया मूल के थे और कथित तौर पर केन्या में अवैध रूप से रहने के कारण हिरासत में लिए गए थे, अपनी जेल की कोठरियों में लगे तार के जाल को काट दिया और दीवार फांद कर वहां से भाग गए। घटना वाकई हैरान कर देने वाली है। इस केस में यह आरोपी बहुत ही महत्वपूर्ण संदिग्ध था और इस पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। चलिए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि खालूशा कौन है और इस पर क्या आरोप लगे हैं। जेल से भागे आरोपी खालूशा पर पिछले 2 सालों में 42 महिलाओं की हत्या करने का गंभीर आरोप है। उसने ये बात खुद अपने मुंह से कबूली है और इतना ही नहीं, उसने शवों को खदान में फेंकने वाली बात को भी कबूला है। उस खदान को अब एक डंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने बताया कि महिलाओं के शवों के टुकड़ों से भरी कम से कम 10 बोरियां उसी जगह से बरामद की गई। साथ ही पुलिस स्टेशन से मात्र 100 मीटर दूर खदान में शवों की तलाशी ने केन्या पुलिस की ओर से एक बार फिर से अपना जो ध्यान है वो पुलिस की तरफ खींच दिया है। केन्या पुलिस पर मानव अधिकार समूहों ने लंबे समय से गैर कानूनी हत्याएं करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल ये डरावना मामला तब सामने आया जब नैरोबी के मुकुरु झुग्गियों के पास कूड़े के ढेर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक जगह पर 9 महिलाओं के शत विक्षत शव पाए गए, और साथ ही जांच करने पर सामने आए कि एक पास के कर्ज कमरे में रहने वाला शख्स पीड़ितों को बहला फुसला कर घर लाता था, फिर उनकी हत्या कर देता था और जमीन में दफन करता था। मामले की जांच के कुछ दिनों बाद ही केन्या पुलिस ने खालूशा को गिरफ्तार किया। साथ ही अभियोजकों ने भी बताया है कि खालूशा ने अपना अपराध कबूल लिया है और पीड़ितों की हत्या 2022 से लेकर उसकी गिरफ्तारी के बीच तक की गई थी, तभी 42 महिलाओं का कत्ल उसने किया था और उन्हें टुकड़ों में काटा था। खालूशा के घर से जासूसों को कई मोबाइल फोन, पहचान पत्र और साथ ही नायलॉन की बोरियां मिली है जो कि पीड़ितों के शवों को लपेटने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी। ये सबूत काफी थे। दरअसल 26 साल की हेयर ब्रेडर जोसेफिन ओबिनो ने भी पीड़ितों में वो शामिल है, और एक सुबह वो अचानक गायब हो गई थी। इस पर उसकी बहन परेशान हुई, उसे ढूंढने का प्रयास किया गया, तलाश करती हुई आखिरकार वो डंपिंग ग्राउंड तक पहुंची। उन्होंने स्थानीय लोगों को तलाशने के लिए राजी किया और साथ ही ढूंढने पर वहां कटे फटे अवशेषों से भरी बोरियां मिली और इस पर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस वहां पर पहुंचती है, शवों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। चौंकाने वाला खुलासा उसमें हुआ। एक सरकारी आपको बता दें कि रोग विज्ञानी डॉक्टर जोहानसेन ओडुओर ने यह बताया कि अधिकांश बोरियों में कटे फटे अंग जो है वो मिले थे और ऐसे में कई स्त्रियों के धड़ भी उसमें मिले। केवल एक शव सही सलामत था, किसी को भी गोली नहीं मारी गई थी, एक का गला घोंटा गया था और डीएनए जांच से कुछ शवों की पहचान कर ली गई थी। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जिस जगह लाशें फेंकी गई वहां जगह जगह पुलिस स्टेशन
स्टेशन के पास लाशें फेंकी गई थी, और ऐसे में पुलिस की निगरानी और क्षमता के बारे में अब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही थी। हालांकि कुछ लोग इसे चाल भी बता रहे हैं। दरअसल यहाँ पर वृद्धि और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के पहले से ही विरोध जो है देश में हो रहा है, और ऐसे में कुछ का ये कहना है कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए खालुशा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस संदेह को खालुशा के वकील जॉन मैना नेडेगवा ने भी हवा दी है। उनका ये दावा है कि अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार कर जबरन अपराध कबूलने के लिए इस शख्स को मजबूर किया गया। पहली बार अदालत में पेशी के दौरान वकील ने पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए खालुशा को चिकित्सा सुविधा देने की मांग की। वहीं अदालत ने खालुशा की हिरासत अवधि बढ़ा दी है, और इसी के साथ ही जांचकर्ताओं को अपना जो पूरा मामला है वो बनाने के लिए और समय अब मिल जाएगा।